रोल्स तो बहुत आए हैं बट मुन्नी जैसे रोल के लिए वेट कर रहे हैं, तो जब आएगा तब आऊँगी वापस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव शाह है। सबसे पहले आप मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूँ जो हमेशा आप आते हो, जहाँ जहाँ अगर फंक्शन आता हो आप लोग दिखते हो, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कभी भी आते हो, प्रकाश जी शो में आते हो। मेरा खुद का लेटर जो फाउंडेशन संस्था है मेरा, हमारी संस्था पिछले 5 साल से सबके लिए काम करती आ रही है, ये आज उसकी वजह से मेरे को अवार्ड मिल रहा है और कल जहाँ उसके लिए शुक्रिया जो हमेशा आपको याद करके बुलाते हैं उसके लिए। और सबसे पहले आप और एक बात कहना चाहता हूँ, कल ही शिवाजी जयंती खत्म हुआ है, उसके लिए पूरी महाराष्ट्रवासी को शिवजयंती के लिए आज शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक्चुअली इस तरह का काम दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्याण जी जाना हमारे जो दोस्त हैं, ये जिस तरह से समाज सेवा ये कर रहे हैं और जिस तरह से मतलब इस अवार्ड को लेना, एक अवार्ड तो हर रोज मिलता है लेकिन एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, एक अवार्ड दादा साहेब फाल्के के नाम पर है, इससे नवाजा जाना एक बहुत अच्छी बात है। आपको एक खुशी होती है कि आपने जो काम किया है, चाहे एज एन एक्टर या जो आप अपनी संस्था शिक्षा के लिए जो काम करते हो उसके लिए, मतलब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितने लोग इसको सहयोग दे रहे हैं सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू। तो मैं दिव्या पंडित हूँ, मेरी कंपनी है वाइट लाइट हीलिंग सेंटर, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ, काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है मेरी। कल्याण जी जाना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब खास करके उनका जो एनजीओ है, जो मैं वो साइड जो उनका देखती हूँ, एज एन एक्टर तो वो कमाल ही है लेकिन जो उनका सेवा भाव जो है, लोगों की हेल्प करने की जो इच्छा है, वो तो बहुत ही मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ के लिए, और बहुत ही भले का काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस हिम एंड उनको बहुत सारी तरक्की मिले आगे। या थैंक यू सो मच गाइस एंड फॉर दिस कल्याण जी, आई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अवार्ड। दिस वी आर नॉमिनेटेड फाइल फॉर द बिजनेस कोच एंड वी आर द लाइक एक्सिम भारत लॉजिस्टिक सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड ऑल्सो कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज इन मुंबई नवा शिवा। दोस्तों ये अवार्ड पा के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ, यही मेरा मकसद है, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आगे कर सकें। दोस्तों सक्सेस का मतलब ही यही होता है कि हैप्पीनेस, मेंटल ऑफ पीस एंड ऑल्सो यू हैव टू बी अ गुड एंटरप्रेनरशिप। एंड ये जो काम है ना दोस्तों, हम लोग ये करते हैं अंडर द बैनर ऑफ एक्सिम भारत लॉजिस्टिक्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस जो एनजीओ है दादा साहब फाल्से जी, जो कल्याण जी जो चला रहे हैं, जो योद्धा लोग को आज जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स एंड थैंक यू। हाय, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड आफ्टर दिस कोरोना व्हाटएवर यू नो द रियली नॉट रियली टफ टाइम्स इन आवर लाइफ एंड नाउ आई एम हियर फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। I'm winning the best model of the year 2022. I've been doing a lot of print shoots, ramps. I've recently done Bombay Times, Bangalore Times as a showstopper. I've been shortlisted for 2 big feature film, Hindi feature film. Apart from that, I'm doing Telugu cinema as well. And I'm really, really looking forward for Dada Saheb Phalke. It's one of the most prestigious awards. And yeah, I mean, I'm a trained actor from New York Film Academy. I'm a trained model from Prasad Vidapa Institute. I'm really looking forward for a lot of success. And without your support, without you media people, we are nothing. So thank you so much, all of you, for covering me. I'm really, really thankful for all of you. Thank you. जी. Well, award जब भी मिलता है खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है. Award तो award ही होता है. And बड़ा अच्छा लगा ये इन्होंने award दिया. एंड आई होप के जितने लोगों को मिल रहा था डिजर्विंग है, मेरा पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं लेकिन बाकी सब तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड के बारे में ये जो अवार्ड मुझे मिला है,
अवार्ड देने वाले की मेहरबानी है कि उन्होंने इस काबिल समझा। मैंने तो सोचा नहीं था कि इस तरह का अवार्ड मुझे मिलेगा, लेकिन मिल गया। ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कल्याण जी चाहना आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इतना बड़ा आज जो सम्मान, जो गौरव पुरस्कार हम सभी यहां पे सोशल वर्करों को दिया गया, इस सम्मान से हम सभी का मनोबल और बढ़ता है। जितने भी हमारे समाज में जो भी काम कर रहे हैं, जो समाज में सेवा कर रहे हैं, उनको इस तरीके से अगर प्रोत्साहन मिलती है तो बहुत सारा ऐसा ऊर्जा हमको मिलती है काम करने का। और मैं कल्याण जी जाना के और DPIF के पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस तरीके से वो हमेशा सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे अवार्ड बार बार करवा रहे हैं एवरी, और दादा साहब फाल्के पूरी टीम को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। बोलो, हेलो, दिस इज सरगम खान, और इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, बचपन से ही काम कर रही हूँ, और ये शायद उसी के लिए मिला है मुझे। एंड आई एम थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने इतने अच्छा रिस्पांस दिया, और आप सबका भी जो आज हमारे इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ले रहे हैं। और शुक्रिया करती हूँ मैं कल्याण जी का, जिन्होंने इस ख़ास मौके पे मुझे याद किया और मुझे इतनी इज्जत और अफजाई से बुलाया। थैंक यू सो एवरीवन। और कुछ बोलना है बता दीजिए, मैं बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीस अवार्ड 2022 जो आज संपन्न हुआ है, हमें हमारे कोविड में किए हुए कामों के लिए और हमारे जो कंपनी के थ्रू हमारे टीम ने जो काम किया है सिक्योरिटी में, जो हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे कोविड के भी समय में, आज उसके लिए हमें इस अवार्ड से नवाजा गया। मैं अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कल्याण जी जाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे ही वो हम सबको सम्मानित करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। आप सब मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया एंड जीनियस फाउंडेशन। आज DPIF और कल्याण जी जाना जी ने जो सुभाष चंद्र पीस अवार्ड हमारे जीनियस फाउंडेशन को दिया है, जो हमारी डिसेबिलिटी के लिए जो वर्क हो रहा है, और हमारी टीम DPIF के साथ ही काम कर रही है, और ये जो रेको उन्होंने जो हमको अवार्ड दिया है वो अभी जीनियस फाउंडेशन की टीम को दिया है, और मुझे आज खुशी हो रही है। तो मैं पूरी DPIF टीम और कल्याण जी जाना जिन्होंने हमको इनवाइट किया है उसको मैं थैंक्स कहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले मेरे सभी मीडिया वाले भाइयों को बहुत बड़ा मेरा प्यार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बड़ी सौभाग्य की बात है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोई सम्मान मिले। दूसरी बात कि हिंदुस्तान के जो ऐसे सेनानी नेता थे, दूसरी बात ये कि जो देश के आज प्रेजेंट PM हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके भाई के हाथों से ये सम्मान मिला। कलाकार के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है जब उसको सम्मान मिलता है। कोई भी जब कलाकार को सम्मान मिलता है ऐसा लगता है कि उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई, तो हमारे लिए ये दौलत है, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, और इस तरह से ये दौलत मान सम्मान मिलता रहे, बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह से बस आप सब प्यार और आशीर्वाद देते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आने वाला प्रोजेक्ट जो है मोस्ट अवेटेड फिल्म सुल्ताना दागू के ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा है, इस महीने के लास्ट में इंशाल्लाह हम लोग शूटिंग करेंगे। सुल्ताना दागू के बारे में पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, उसी के किले से इंशाल्लाह ये महीने के लास्ट में हम लोग शूटिंग करेंगे, और पहला शूडल ये महीने हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बॉम्बे से सभी कलाकार जाने वाले हैं, तो बस आप सब अपना प्यार दीजिए ताकि अगले साल तक आप सबके सामने इस फिल्म का प्रोमो आ सके और जो थर्ड पोस्टर है वो आ सके।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जी आज ये अवार्ड पाकर बहुत गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे असली नायक, असली क्रांतिकारी, असली देशभक्त सुभाष चंद्र जी बोस के नाम पर है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और कल्याण जी भाई इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहें, और इसके साथ साथ अवार्ड तो वो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ज़रूरतमंदों की मदद भी बहुत करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। और सुभाष चंद्र बोस के लिए कहूँगी कि प्यारा सुभाष, नेता सुभाष सारे जग का उजियारा था, पैदा होते ही जिसका भविष्य गणिकों ने लिख डाला था, ये होगा महाचक्रवर्ती या ये होगा पावन सन्यासी, जिसके गौरव गाथा को युग युग तक याद करेंगे भारतवासी, युग युग तक याद करेंगे भारतवासी। जय हिंद, भारत माता की जय। आज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो मुझे अवार्ड दिया, तो इसके लिए मैं कल्याण जी जाना साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ कि वो हर साल कुछ ना कुछ 3-4 अवार्ड करते हैं। दादा साहब फाल्के का भी करते हैं और भी करते हैं, जिनमें से एक अवार्ड ये भी उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगता है लोगों की जो हिम्मत अफजाई करते हैं, वो छोटे बड़े सभी कलाकारों को बुलाते हैं, उनमें से कई मेरे जैसे छोटे कलाकार को भी बुलाते हैं। तो खास करके मीडिया को जिस हिसाब से बुलाया जाता है, इतना सब कुछ लेके, ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार कर हूँ कि इससे इस कल्याण जी जाने के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कवरेज करते हो। बस मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि इसके हर शो में आप इसी तरीके से आया करें, और इसके शो में चार चांद लगाया करें। थैंक यू। अब रील है इसमें वेरी मच फॉर दिस दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। इससे हमें हौसला मिलता है और माँ बाप हमारे आज की डेट में खुश हैं, क्योंकि कोई भी एक्टर अगर बनना चाहता है बच्चा घर में, तो उसको सपोर्ट नहीं करते, ना माँ बाप करते हैं, ना फ्रेंड्स करते हैं, ना सोसाइटी करती है। इसलिए ये अवार्ड्स की वजह से मुझे बहुत खुशी है कि अगर ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, तो मेरी माँ जब मैं बड़ा हो रहा था और मैं आना चाहता था इस लाइन में, तो वो मुझे चप्पल फेंक के मारती थी कि नहीं जाना, दुकान पे जाओ, वहाँ नहीं बैठता, धंधा बिजनेस नहीं करता। और आज की डेट में सब लोग इस धंधे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। और दादा साहब फाल्के सबसे प्राइम अवार्ड है, सबसे पहला अवार्ड है। बस इसमें वो है कि उसमें सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा चल पड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे उसमें डांसेस और परफॉर्मेंस और स्टार स्टडीड कर देते हैं, उसको सोशल मीडिया पर देते हैं, तो उसकी रीच की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो अवार्ड पॉपुलर होते हैं, जबकि ये सबसे प्रेस्टीजियस है, सबसे पुराना अवार्ड है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस थिंग। कल्याण जी जाना हैज इनवाइटेड मी हियर एंड गॉट मी इंट्रोड्यूस टू सो मेनी पीपल। और मुझे खुशी है कि मुन्नी भी यहाँ पे मौजूद है, जिसने जो बचपन में मुझसे डरती थी, अब तो बड़ी हो गई है, और मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान उसके लिए वेट कर रहा होगा, बहुत बड़ी हीरोइन बने। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो एक कल्याण जी जाना जी का और उनके पूरे साथी जो इनके अवार्ड का फंक्शन करते हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। प्लस इसके मुझे अवार्ड से नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ में ये जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड उन्होंने रखा है, और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो उन्होंने रखा था, और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ साथ में जो फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने पहली पिक्चर उन्होंने बनाई थी, और आज उसी के जरिए आज आप देखिए कि हम फिल्म लाइन में कितने आगे लोग जा चुके हैं। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील भी करूँगा कि जिस तरह से स्टैचू बनाया जा रहा है वहाँ पर बांद्रा के अंदर, उसमें जो भी सहयोग होगा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम महाराष्ट्र सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, और दादा साहब फाल्के अवार्ड का स्टैचू जो बनेगा उससे हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए, इस सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है, और मैं सौभाग्यवश
श्याम बनेगल साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, नेताजी का लास्ट हीरो। उस फिल्म का मैं हिस्सा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम मेरा उसमें, बहुत बढ़िया किरदार था, बहुत आनंद आया था मुझे। और फिल्म को करते हुए मुझे नेताजी के बारे में और बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले सिर्फ कल्याण जी जाना का तो शुक्रिया करता हूँ। उसके अलावा मेरे हमारे घर में नेताजी की बहुत एक तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन नेताजी का ये अवार्ड जो है मेरे लिए एक सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है उस योद्धा का जिसने अपने तरीके से हमें आज़ादी दिलवाई। तो एज अ सीनियर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके इन कामों के लिए जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, और जो इनकी ये इतनी खूबसूरत ट्रॉफी मुझे मिली है इसकी वजह से मैं बहुत भावुक भी हूँ, क्योंकि नेताजी मेरे घर में आ रहे हैं और उनका मैं बहुत ज़ोरों से स्वागत करूँगा अपने घर में। बहुत ट्रॉफी है, लेकिन इसको मैं अपने घर में बहुत आगे और बहुत प्रोमिनेंटली सजा के रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सुभाष चंद्र बोस साहब के नाम पे ये नोबल पीस प्राइज है। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि नेताजी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर इंडिया एंड टेक्निकली स्पीकिंग ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको कि अभी थैंक्स टू द ग्रेट नरेंद्र मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट, जो इनको बाकायदा उनका जो एक ड्यू था उनको मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में, और जहाँ कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम होता है वो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, बहुत गौरव की बात है। आई एम सो हैप्पी हियर एंड थैंक्स टू जाना, कल्याणी जाना, जिसने कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कलाकारों को बुलाया और समाज के दूसरे अंग जो हैं के लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या पुलिस में हैं या दूसरे अंगों में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। और ये इस तरह की महफिल कोविड के बाद चलती रहनी चाहिए, ये महफिलें चलती रहें, अवार्ड मिलते रहें और थिएटर्स खुले और उसमें भीड़ आना शुरू हो, हिंदुस्तान फिर टॉप क्लास पे हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गॉड ब्लेस एवरीवन। सबसे पहले डीपीआईएफ ग्रुप को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी भी एज डीपीआईएफ ग्रुप में जुड़ी हुई है एज ए स्पॉन्सर्स पीएसजी मीडिया विजन। और इस अवार्ड को पाके, हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनसे महान शख्सियत क्या है, हमें सम्मान पाके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी, आप भाभी माँ प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो पीएसए मीडिया विजन प्रोड्यूस है और मैं उसका डायरेक्टर हूँ, और वो जल्द ही आप लोगों के समक्ष आने वाला है। अवार्ड पाना एक अच्छा अनुभव होता है हमेशा, और अच्छे काम करने के लिए हमें वो प्रोत्साहन होता है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा कल्याण जी जाना, जिन्होंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया है, और पीएसए मीडिया विजन पहली बार इस तरीके में ऑर्गेनाइज में साथ आई है एज ए स्पॉन्सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम एक बार हमारे साथ जुड़ा, हम इसके लिए अभिभूत हैं काफ़ी, और हम सभी को इसकी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि डीपीआईएफ ने हमें इस लेवल को समझा, इस योग्य समझा। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी इसके एक सदस्य हैं, नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड के हम भी एक सदस्य बने हैं, हमारी कंपनी पीएसजे भी है साथ में। ये हमारे जीवन की सबसे खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद।
धन्यवाद देना चाहूँगा कल्याण जी जाना को। आज ये बहुत बड़ा अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस जी का, और बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसको अवार्ड मिलता है, और वो आगे अच्छा काम करते हैं। हर फील्ड के लोगों को अवार्ड दिया गया, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप सब मीडिया का, कि आप लोग हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से आगे भी ये अवार्ड होते रहना चाहिए। फैयाज जोर से लाउड। मेरा नाम फैयाज अली खान है, मुझे एज ए प्रोड्यूसर के लिए अवार्ड मिला है, और कल्याण जाना का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कल्याण भाई हमेशा अवार्ड रखते हैं, और काफ़ी नए टैलेंट को आगे बढ़ावा मिलता है ये अवार्ड से, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और नेताजी के नाम से ये अवार्ड है, ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तिवारी जी को बुलाना चाहूँगा, जो सोशल वर्कर हैं और मीटिंग के हेड किसी, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अभी लॉकडाउन में। आइए बीच में आ जाइए आप। अरे फिर तिवारी जी हेड टीसी है बीटी लोकल, मुबारकबाद देंगे। बोलिए अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अवार्ड बहुत अच्छा लगा, आप उनको सोशल काम कर इसके लिए बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल देखिए ऐसा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड जो है, जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है। नेताजी का जब नाम आता है कहीं पर भी तो सीना जो है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है, छाती और फिर चौड़ी हो जाती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अवार्ड जो है किसी भी रूप में मिले एक एक्टर को तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक्टर जो है वो चाहता है कि उसके काम को सराहा जाए, और मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूँ। मैं फ़िलहाल में अभी एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है विद्रोही, जो बक्सी जगबंधु के जीवन पर आधारित है। तो वो भी उन्होंने भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो बस अपने आप को बहुत सौभाग्य कहीं ना कहीं बहुत मानता हूँ कि मैं बहुत ही मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे एक ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला, और आप लोग से मिलना हो जाता है यार अवार्ड फंक्शन में ऐसे कुछ इवेंट हो। तो थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू। Subhash Chandra Bose Nobel Peace Award. Thanks to Kalyan Ji Jana for giving me this award. Coming here is more like getting myself inspired, more than that inspiring Kalyan Ji Jana, because he does such a good job for the people who are in need. He does really great social job, and he's a great social activist. So it is always our duty to support him, and we all are like into it, and we all together is some way or the other tries to support the society and uplift the underprivileged. So it's always been great to attend Kalyan Ji Jana's events, and I always feel grateful because he calls me. देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल्याण जी ने मुझे भाई ने यहाँ मुझे बुलाया। हमने एक शॉर्ट वीडियो ऐप अभी लॉन्च किया है जिसका नाम है जय भी, और ये सेम वैसा ही ऐप है जैसे कि दुनिया के सारे शॉर्ट वीडियो ऐप्स होते हैं जिसमें आप अपने वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इसको बढ़ावा दिया गया है, और अब हम ये देख रहे हैं कि इसके लॉन्च के 30 दिनों में ही अभी तक करीब 2 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया। थैंक यू। आज बहुत लोगों को दिया गया, मैं भी उनमें से एक हूँ, और मुझे काम करने में प्रेरणा मिलेगी, और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा काम मैं समाज के लिए करूँ। मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, कामगारों के लिए काम करता हूँ। अवार्ड के माध्यम से हमें एक हिम्मत मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है,
और अपने आप में एक विश्वास बनता है कि आगे और अच्छा काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। ये जो आज मुझे अवार्ड मिला इसकी पार्टी मैं परसों JW में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। विथ कॉकटेल, कॉकटेल एंड डिनर सबके लिए, सबके लिए, मीडिया के लिए और 50 से 60 सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनके लिए भी। तो नमस्कार, हाय एवरीबॉडी। आप लोग के बिना तो हम लोग कुछ नहीं है। मतलब हम सारे, चाहे सिंगर्स हो, चाहे जितने भी सेलिब्रिटी हो, आई थिंक आप नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना। सोचिए कितने आलू का काम करते हैं हम, मुझे लगता है हर सबके लाइफ में। सो या, पूछिए क्वेश्चंस। क्या कहना चाहिए आज आपको अवार्ड मिला है? बहुत, सबसे पहले तो नेताजी, ये जो अवार्ड मिला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड, आई थिंक उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं कल्याण जी जना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा एक सम्मान बनाया और इस सम्मान के लायक मुझे समझा। जब मैं अभी स्टेज पे थी तो मैं यही बात बोल रही थी कि सुभाष जी, नेताजी हमें कहा कहते थे, जिसे हम सब पढ़ते हैं, उसे बचपन से सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मुझे लगता है कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे देश के जिन्होंने असली मायने में क्रांति का जो कहते हैं ना डंका बजाना होता है, इन्होंने बजाया था। और जिस तरीके का इनका योगदान रहा है हमारे देश पे, इनका बलिदान रहा है, विच इज़ प्राइसलेस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो लेजेंड्स होते हैं वो 100,000 सालों में एक बार आते हैं, और हम सबको बहुत गर्व है कि हम उस धरती से आते हैं जहाँ से हमारे नेताजी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं, और हम सबके लिए वो प्रेरणा है। और इस तरीके का सम्मान आयोजन करना, अपने मतलब इस बारे में सोचना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे इंस्पायर होकर हम जो आर्टिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं अपने वे में अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ट्रिब्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम सिंगर्स होते हैं अपनी गायकी से करते हैं अपनी मिट्टी के लिए, एक्टर्स होते हैं वो अपने एक्टिंग के थ्रू करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपने म्यूज़िक के थ्रू करते हैं, जो पेंटर्स होते हैं वो अपने पेंटिंग के थ्रू अपने देश के लिए काम करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाई कल्याण आनंद जी, कल्याण जी जना, और मेरे भाई के जैसे हैं बिल्कुल। और आई थिंक ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथू, हमेशा जो है हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मैं अभी बोल भी नहीं थी कि हम सब थक जाएंगे, पर आनंद जी का, जना जी का जो हौसला है और द काइंड ऑफ एनर्जी ही हैज़, वो कभी लो नहीं होता है, वो हमेशा डांस करते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है, और आप सब लोगों का प्यार जो है वो हमेशा बना रहे, बस यही मेरी कामना है। थैंक यू एवरीबॉडी। एक महान नेताजी को हमने सलाम किया, सुभाष चंद्र बोस को, जिनके बड़े एहसान हैं, उनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, देश को आज़ादी दिलाने में उन शहीदों का बड़ा योगदान रहा। तो तमाम शहीदों को प्रणाम करते हैं और आयोजकों के इसलिए बधाई के नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से अवार्ड रखा, इसलिए बधाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाई का, आपको भी नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी यानी सब पर भारी। तो देश के लिए इन्होंने जितने अवार्ड रखे 50% नारियों के लिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए, इनको भी अवार्ड मिला है, आपको भी बहुत बधाई जी। दो लाइन बोल दीजिए आप जी, धन्यवाद हो जी। आप सभी मीडिया लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यानी कटारा है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। कल्याण जी जाना सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत जी। अब अपना परिचय। थैंक यू सो मच, माय नेम इज दीपिका मीनाक्षी, मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ और सोशल वर्क करती हूँ। जस्ट मैंने अभी मिस आइकन इंडिया कम्प्लीट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड, जिनके नाम पे ये अवार्ड मिला वो अपने आप ही प्राउड है। और आज मेरे साथ मेरे कंपनी में जो नए स्टाफ के लोग जुड़े उनमें से भी है नजीम मिर्जा, ये रेड चिलीज में पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, एडिटिंग किया है, और इनकी स्पेशलिटी के संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी हमारी कंपनी में एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। थैंक यू।
आश्रम के लिए मैं काम करती हूँ, अपने से कुछ योजनाएं बना रही हूँ जो मेरे से हो सके उतनी। जस्ट मैंने अभी कंप्लीट किया, मिस साइकिल इंडिया विनर रह चुकी हूँ मैं 2021 की। एंड थैंक यू सो मच PDIF टीम, एंड उन्होंने जो ये अवार्ड रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबल पीस का, इससे मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं ऐसे ही अपना कार्य करते रहूँगी और मेरे से जितना हो सके सोशल वर्क हो, NGO के बच्चों के लिए हो या वृद्धाश्रम माताओं के लिए हो, मैं अपने से वो मेरा कार्य पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगी और मैं अपनी जिम्मेदारी करूँगी। थैंक यू सो मच कल्याण जी। इसके बारे में बताइए आप, सबसे पहले ये पूरा फ्रेम लीजिए, ये पूरा मेरा योद्धा है, पूरा फ्रेम है। मेरा दीदी भी आ रहा है, गुरु भी आ रहा है, मेरे गुरु भी आ रहे हैं, ये सब आ रहा है। आज सबसे पहले रोल कैमरा एक्शन, सबसे पहले मेरे मीडिया आपके लिए। मैं मीडिया को नमन करता हूं, मैं स्टेज पे बुला के बॉलीवुड अड्डा दलवंत जी को मैं दे नहीं पाया सम्मान, क्योंकि उसको मैंने काम सौंपा था तो उन्होंने अपने अवार्ड को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना काम को निभाया। तो सबसे पहले बॉलीवुड अड्डा दलवंत जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। अब आता हूं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले तमाम जो मीडिया कर्मचारी है यहाँ पे, सबको जो खड़े हैं, सबसे पहले मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के। आज पता है मैं क्यों किया यहाँ पे अवार्ड, क्योंकि एक अवार्ड और कहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं ले जाता हूं, उन्होंने मेरे औकात दिखाया था तो मैंने इसलिए मैंने किया। तो आज मैंने जो अवार्ड शो किया है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड 2022 का जो अवार्ड है, ये मेरा, मेरी मन से, मेरी वाइफ ने बोला सक्सेस हो गया, वीरू ने बोला सक्सेस, सबने बोला सक्सेस। सर कैसा हुआ? वाज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, एक नंबर, बहुत अच्छा। थैंक यू। मुझे आर्टिस्ट नहीं चाहिए बड़ा, मुझे ऐसे योद्धा लोग चाहिए जो मेरे साथ खड़े हैं। आपने नाम भी बहुत अच्छा चूज किया ये प्रोग्राम का, अवार्ड का, एक्सीलेंट प्रोग्राम। मैं जिंदगी में कोई प्रोग्राम में कभी गया नहीं। आई वॉज ऑल्सो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये पहले प्रोग्राम में आया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अ पर्सन राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस विद ऑल दिस स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल करके इतना ऊंचाई तक आया है, सो रियली इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। कोई पूछना पूछो। सर आपने एक अवार्ड को टारगेट किया है, क्या कहना चाहेंगे उस अवार्ड के बारे में, क्यों आपने टारगेट किया और क्या हुआ? ये हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे काम करके जाओ, मेरे गुरु ने बोला आप सब काम करते करके जाओ, काम करो काम करो काम करो काम करो, और काम आपका इतना बड़ा बन जाए, उतना लकीर खड़ा करो काम का जो को आपको छू नहीं पाए, वही आपका जवाब है। पूछिए सर। आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, पिछले टाइम में हमने देखा आप काफी इमोशनल हुए थे, लेकिन आज काफी हैप्पी। ये सही बोलता है कृष्णा, जो भी पूछता है ना एक नंबर पूछता है। मैं कृष्णा के लिए फतवा साहब अगर ताली बजाता हूँ, कृष्णा रियल पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि कृष्णा ने देखा है। कृष्णा मेरा 2013 से मेरे साथ में मीडिया में आते हैं, और साथ में गाजी भाई भी है, तमाम यहाँ पे मीडिया कर्मी है, सबने मेरे अड्डा से लेके सबने मेरे 2013 से मेरे साथ में है, 12 से मेरे साथ में है, सब लोग यहाँ पे जितने भी खड़ा है। मैं खाल इतना बोल दूं, मुझे जितना नीचा दिखाना है दिखाओ, मेरी जितना पीठ खींचना है खींचो, लेकिन भाई मैं तो बनते जाएगा, मैं रुकने बैठने वाला हूं। मैं बंगाली हूं और बंगाली थम लेता हूं भाई, एकदम फाटा फाटी कोरे दिखाऊंगा, एकदम मतलब मैं करके दिखाएगा, इसलिए बंगाली बोला मैंने, करके दिखाएंगे, करबो तो करबो और मरबो, खेला हबे तो खेला जो हबे, ये खेला आज हो गया है, तो करबो और मरबो। तो मैं थैंक यू बोलता हूं मेरे जय भाई को, उनके बड़े भाई को, उनके छोटे भाई को, उनकी मैडम को, मेरे गुरुजी को, जो लखनऊ साहब को,
मेरी वाइफ लवली वाइफ अंकिता जाना को, वेरू जैन को, हमारे गौरव शाह को, ताहिर कमाल खान को, जिस तरीके से ऑफिस में बैठ के जिस तरीके से मुझे योद्धा की तरह साथ देते हैं ताहिर कमाल खान, उस्मान गनी जी को, दीप्ति संपुरा को, सलमा मेमन को, करकरे सर को, तमाम हमारे दो एंकर योद्धा, तमाम और ये जो होटल जो दिया है इस होटल को, तमाम मीडिया को, मैं इतना खाली बोलना चाहता हूं तमाम मीडिया को, मैं अपना काम करते जाएगा, मैं रुकेगा नहीं। इसके बाद मेरा और एक शो है, झुकेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं, या गुरु जी झुकेगा भी नहीं। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम दिल्ली में है 24 मार्च को, नाम है DPIF आइकॉनिक अवार्ड द अमेरिकन डॉक्टरेट डिग्री, उसके बाद द DPIF मिस एंड मिसेस द इंडियन कल्चरल फैशन शो। ये 24 मार्च को दिल्ली में धमाकेदार प्रोग्राम होने जा रहा है और वहां पर हम एक बहुत बड़ा एक एनजीओ का कर रहा है उद्घाटन, द DPIF द आर्मी तरंग, तमाम जो शहीद परिवार है मैं उनके लिए एनजीओ खोल रहा हूं, जो भी मैं कुछ करेगा उसका 25% मेरे शहीद परिवार को जाएगा उस एनजीओ के माध्यम से। नमन करता हूं तमाम जितने भी हमारे गेस्ट आए उनको मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता मेरे पिता माता गुरु को, मुंबई की मिट्टी को, मुंबई के माता रानी मुंबई माँ को, हाजी आई को, मखदूम शाह बाबा को, माउंट मेरी चार्ज को, सिद्धि विनायक को, इन सभी को मैं नमन करता हूं, और मेरे लवली डॉटर अभी कठेना को, और मेरे लवली वाइफ अंकिता जना को, और मेरे DPIF टीम को, और मेरे वेरू जैन को, मेरे भाई को, और तमाम जितने भी मेरे साथ में है उन सभी को नमन करता हूं कि इस गरीब को साथ दिया है और ऐसे ही साथ देते रहो। एक गरीब हाथ में मानेगा, बस आपका साथ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, बस इस गरीब को साथ देते रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे कितने ही मेरे पीछे पड़े। थैंक यू, थैंक यू। 2008 से मैं इनको जानता हूँ, जब इन छोटा सा था, एकदम पहला डांस शो का इनका होर्डिंग फिल्म के मैंने काम किया है, और बॉम्बे में मैं 5000 अवार्ड्स कर रहा हूँ, बड़े में बड़े फिल्म फेयर, फेमिना, आईफा, स्क्रीन स्टार्टर्स जी, और हर एक आदमी के साथ मैं रहता हूँ, छोटा रहे बड़ा रहे बैठ रहे, सब छोटे को बड़ा बनाने में मेरा हाथ है, सभी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मैंने की है, तो कल्याण जी भी एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। कल्याण जी, एक आखिरी सवाल, काफी इमोशनल हो गए आप आज, लता जी और मम्मी जी के लिए कुछ आप कहना चाहिए, उनके सम्मान के लिए आप कुछ आगे कुछ करना पसंद करेंगे, अवार्ड या? मैं अवार्ड तो नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बापी धाम जाते जाते मुझे बहुत अच्छा वीडियो दिया, मैं घर पे गया था, मैं दोनों को नमन करता हूँ, बापी दा को, लता दीदी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं, और मैं दादा साहेब फाल्के जी का जो मैं स्टैचू लगा रहा हूँ, उस स्टैचू के बाजू में ऐसे बड़े बड़े वीरों का फोटो रहेगा वहाँ पर, और ये मैं शुभकामना आप सभी से मैं चाहता हूँ, पूरी बॉलीवुड से मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ में आगे आए बहुत जल्द, श्री दादा साहेब फाल्के जो हमारा जन्मदाता है उनका मूर्ति बहुत जल्द मुंबई शहर में लगने जा रहा है। मुझे एक बात करना था, ये जो नरेश अग्रवाल जी है ना, भिवंडी में 7 आदिवासी गांव है जहाँ ईंट की मिट्टी में से भट्टी बनती है, जहाँ आदमी लोग को 3000 रुपया खाली महीने का पगार है, ऐसे गरीब लोग को 2500 लोगों को 10 साल से एवरी संडे नरेश जी खाना देते हैं, मतलब इतना नेक काम कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एकदम खाने के लिए पैसा नहीं, 3000 रुपया महीना कमाने वाले लोगों को सर है ना 2500 लोगों को हर संडे खाना देते हैं 10 साल से। दामोदर राव के लिए बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इतना बड़ा काम एक जमीन से उठकर चलने वाला व्यक्ति आज आसमान पे है,
मतलब फर्श से अर्श तक ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, इनकी जमीन से जुड़ने वाली बात है। कल्याण नाम है इनका, लेकिन सबका कल्याण करते हैं। आज मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले ये दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किए मुझे, उसके लिए भी दिल से हार्दिक मतलब इनको धन्यवाद है। और आज इतने बड़े स्टेज पे ऐसे ऐसे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी नहीं, लेकिन हम लोग इन्हीं को फील कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे देश के बस ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सौभाग्य की बात है। इतने वाइफ को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, बोलिए। उनके बारे में आप सब जानते ही है। उनके बारे में क्या करूँ, मतलब मैं 11 साल से जानती हूँ इनके स्ट्रगल को, इनके मेहनत को, और आज एक मुकाम उनको मिला है और आगे भी इससे आगे बढ़ेंगे। जो इनके एम है वो उनका पूरा होगा। सो मैं इनको बेस्ट विशेष देती हूँ और इनके साथ में हुई हमेशा, और आपका साथ आपका प्यार तो हमेशा चाहिए, बिना आपके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा शो हिट करने वाले आप ही लोग होते हो, सो थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए और हमें कैप्चर किया, इसलिए थैंक यू सो मच। कुछ और लोग थोड़ा कर लेते हैं फटाफट। गुरु जी आप मोदी साहब को लीजिए। जाना तो बाद में, पहले कल्याण जाना पहले है। इंटरव्यू 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 जाना बाद में, कल्याण जाना पहले है। नमस्कार भाई और बहनों, आज पहली बार यहाँ मैं आया हूँ। उसके पहले भी मैं आपके गया हूँ इनके एक कार्यक्रम में जो जू पे हुआ था जी। और पहली बार तो इनके बारे में कहूँगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा है और पूरे दुनिया को ही उनके बारे में पता है, मगर आज इनके बारे में कहना चाहूँगा। कद छोटी है, आवाज़ बड़ा है, सबसे अदब से बात करता है, झुक के बात करता है, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचा है। और मेरा आशीर्वाद है, सभी का होना चाहिए, ये बंदा बहुत आगे निकल जाएगा और जाना चाहिए। गरीबों का नेता है, लोगों की सेवा करता है, ये बहुत बड़ी बात है। सबका आशीर्वाद इसके पीछे है। ये इसकी टीम जो संस्था चला रहे हैं, रियली उस संस्था को मेरी तरफ से खास खास शुभेच्छा दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। मेरा नाम विकास महंते, प्रति नरेंद्र मोदी। रियलिटी शो करता हूँ, फिल्म करता हूँ, ऐड करता हूँ और बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। शायद आपने देखा होगा, अजय साई प्लीज बॉय है, अजय साई। मोदी जी के संदेश पहुँचाने की कोशिश आपके माध्यम से करता हूँ, इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अजय साई सर, आप जब सर आप भी बात करें बीजेपी के लिए, तो आर यू सी रिग्रेट कि देश में काफी बेरोजगारी है इन दिनों, क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल से मोदी जी जो है 10-15 साल पहले अगर होते तो आज यहाँ का चित्र कुछ अलग होता। ये बात सही है कि नहीं, आप ही मुझे बताइए। क्योंकि पहले हर महीने में नया नया स्कैम हम लोग सुनते थे प्रूफ के साथ। मेरा यही कहना है, आज कोई दाग उनको लगा नहीं है। यहाँ की फडणवीस की सरकार यहाँ थी, वहाँ भी आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, ठीक है, मगर पॉलिटिक्स से होते रहता है। और रहा मेरे बारे में, जब मैं चोला पहन लेता हूँ मोदी जी का, मोदी बन जाता तो रियली मोदी जी घुस जाते मेरे में। क्या बात है, मैं चाहता हूँ डॉक्टर अजय साई प्लीज आइए। अजय साई आइए सर, सदीप सर, अलग से आप अलग से लेना सर, अलग से लेना सर, आई लव यू सर। अजय सर जाना जो आपसे जुड़े काफी सालों से, क्या करना चाहिए उनके बारे में? नहीं समझा। अजय सर आज कल्याण जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस शांति पुरस्कार का आयोजन किया, एक बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन था। और मैं समझता हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद ही जो कोई सावधानी के साथ जो कार्यक्रम किया गया, और इसमें
बहुत ही समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। ये बहुत ही अच्छा और यादगार आयोजन था जिसमें तमाम मशहूर सेलिब्रिटी उपस्थित हुए। कल्याण जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करके और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जल्दी भाई आइए, मैं निकलूँ। हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू।